वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली यदर है। यार एक वीडियो आई है दोस्तों, ने बोला यार कुछ मूवी से हटके भी लेकर आओ, तो टाइटल है और इन्हें इंडिया से ट्रेड करनी है। क्या ट्रेड करनी है, कोई देखते हैं भाई, प्ले करें। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, तब तक तिजारत नहीं की जाएगी। ए वल्लू, बता इसे बता, क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? अब बोल, अब बोल। यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। भाई लोग, इन पॉलिटिकों का सही है, बंदे पहले खुद इंडिया से ट्रेड करने की भीख मांगते फिरते हैं और जब इंडिया इनको मुंह नहीं लगाता तब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने आपको पता है दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुजाकरात से इनकार कर दिया। अरे का है गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो भाई, का हुआ? वो हमसे मुजाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। रोती रहो, रोती रहो। और भाई ये हाल सिर्फ फिजा खलीफा का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज एंकर का ही यही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इंडिया से ट्रेड करने की इच्छा क्या जाहिर की, सारे के सारे पोर्की उसके खिलाफ हो गए, बंदे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। इस अकदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, जैसे भारत तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, आज तक तुमने अपने बलबूते बनाया क्या है जो इंडिया से ट्रेड करोगे? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया? मतलब पोर्कियों ने बनाया भी तो क्या सलीम गुटका, और वो भी पुलिस ने कराची के इलाके जैक्सन में गुटका फैक्ट्री पर छापा मारा। पैसा बर्बाद पहन। भाई एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही बना सकता, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। लेकिन फिर भी पोर्की है कि अभी तक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया क्या है जो इलॉन मस्क पाकिस्तान का रुख करे? बहुत कुछ बनाया। क्या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया? ये फंस गया है। हाँ बेटा, बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, कब्रिस्तान। मतलब बंदे को खुद कुछ बताने को नहीं मिला तो अगले बंदे को ही फंसवा दिया। और ये हाल पाकिस्तान के एक बंदे का नहीं है बल्कि सभी का ये हाल है। अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें बनाई होंगी, इसको ज्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। ले, 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 ले। सुना क्या? भाई पोर्को का क्या है, कहने को तो पोर्को ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बात जब ये सब दिखाने की आती है तो सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पोर्को की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इंडिया से ट्रेड करनी है। बंदे इंडिया से ट्रेड के फायदे के नाते फिर रहे हैं। लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें। भाई ये इंडिया को चीजें कम कॉस्ट में देंगे जो साले खुद अपनी आवाम को नहीं दे पा रहे। अबे साले, और सबसे पहले पोर्को तुम एक बात बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हो जो तुम इंडिया को भेजोगे? इंडिया में प्याज नहीं है, वो पाकिस्तान से प्याज खरीद है। अच्छा भाई, कहने को इंडिया पाकिस्तान से प्याज खरीद रहा है जबकि प्याज की वजह से खुद पोर्कियों की हालत। हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का वाज बात है, इतने महंगे ये नीचे से उठाकर लेकर आ रही है। प्याज आपने नीचे से उठाया? हाँ जी। मतलब महंगाई की वजह से पोर्कियों को खुद प्याज खाने को नहीं मिल रही, सड़ी भूसी प्याज खाकर खुद गुजारा कर रहे हैं और ये इंडिया को प्याज देंगे जबकि पाकिस्तानी प्याज की हकीकत। ऐसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है, ये चोर बाजारी कर देते हैं, ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं। बड़ा हरामी हो भाई, ये तो पोर्को की हराम जादगी है। और ये सब हरकतें करने के बाद पोर्को उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे। क्या रे भीख मंगिया? वैसे भी पोर्को तुम्हें इंडिया से ट्रेड करने की जरूरत क्या पड़ने लगी, तुम तो खुद कहते फिरते हो मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है। और उधर पोर्को के मुल्क में खुशहाली? चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, रोते हम लोग, भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना ऐसा, पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। भाई यह है पाकिस्तान की खुशहाली, बंदों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, महंगाई से आवाम चीखे मार रही है, फिर भी पोर्को की माने तो हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। ए, तीसरी फिल पीटी पास। ये क्या है, वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। मतलब इन भिखारियों के टट्टी में मुंह देने के दिन आ गए हैं, फिर भी इन बंदों का जोश कम नहीं होता। बंदे मुर्गी की कंगाली में मरने को तैयार हैं, लेकिन बात जब इंडिया से कुछ लेने की हो तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करे तो फिर हमें प्याज सस्ता मिल सकता।
सकता है, क्या समझते हैं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ भूखे मर जाएंगे, नहीं करनी चाहिए। भाई यह पाकिस्तान के जज्बे वाली को, बंदे भूखे मरने को तैयार हैं लेकिन इंडिया से ट्रेड करने को नहीं। और क्यों? क्योंकि पोर्टो का मानना है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। रुक तेरे को बताते तेरी मार तेरे रुका। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमुई मईशत से ज्यादा हो गया। अब बोल इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। इंडिया से ताकत में आ गए हैं, साले चारों बार के युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं। अरे तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, ताकत तो तब दिखाओगे जब खाने को एक वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकचोदी पहननी है जबकि पोर्टो के मुल्क की हालत पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है और अपने मुल्क की हालत के बावजूद भी पोर्टो का कहना होता है पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि साले तुम शुद्ध भिखारी ही नहीं शुद्ध आतंकी भी हो और तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है उन बेचारे कश्मीरियों को जिनको तुमने कब्जा रखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों देशों का कश्मीर, जहां एक तरफ इंडियन कश्मीरी डेवलपमेंट के साथ साथ फॉर्मूला फोर रेस का आनंद ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसकी रेस लड़ाई जा रही है। और भाई ये देखो, बंदे कश्मीर में गधे की रेस कराकर जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि गधों की रेस के जश्न में पाक आर्मी तक शामिल है। और अपने मुल्क की इस औकात के बाद भी पोर्टो का कहना होता है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो इंडिया पीछे से पिछवाड़े में डंडा डाल कर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा रोस्ट कर डाला भाई, जो भी बातें थी सब सच थी यार। इंडिया हमसे आगे, हम नहीं है आगे, हम भाई अभी पीछे, हमें उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। और जो बोलते हैं ना ये लोग रिपोर्टर लोग के नहीं करनी चाहिए, इंडिया में क्या है भाई, इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो आप देखो तो सही, आप दिखाते ही नहीं हो, ना हमारे अवाम को दिखाते हो ना खुद देखते हो, और फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। अब एलोन मस्क जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है वो इंडिया जा रहा है मोदी जी से बात करने के लिए, तो बताओ कितना उनको बूस्ट मिलेगा उनकी इकोनॉमी, हर चीज़ में वो इंडिया आगे जाएगा। और हमारे यहाँ ये बड़ी बड़ी बातें गधों की रेसें चल रही हैं, वो ज़मीन से प्याज बेचारी माँ जी बेचारी औरतें उठा रही हैं यार, बड़ा अफसोस है। हमें तो हंसी आ रही है अपने करतूतों पर हंसी आ रही है, और क्या कर सकते हैं हम यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए इंडिया के साथ मिलकर। भाई ने तो भाई सारी रियलिटी हमारी बता दी हमारे मुल्क की, भाई कितनी हमारे पास गरीबत है। जो लोग भाई कह रहे थे ना, तो हमारे न्यूज़ एंकर के मुंह से ही भाई वो दिखा रहे हैं कि हम भाई हमें कर्जे भी नहीं मिल रहे, जो हमारा खजाना है वो भी नहीं बचा भाई, तो हमारी ये रियलिटी है भाई। ये भाई साहब ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, जो भाई हमारे यहाँ गुमान में है ना, बदगुमान में है कि भाई हमारे पास बड़ा पैसा है, हम लड़ सकते हैं, पर अल्लाह का फजल है हमारे पास सब कुछ है भाई। देखो ये रियलिटी, हमारे न्यूज़ एंकर बड़े बड़े चैनल वाले वो कह रहे हैं भाई खजाने खत्म है, कर्जे कोई नहीं दे रहा, एक भी गलती की तो भाई काम तमाम। तो यार ये भाई बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, हमें बहुत एंजॉय किया। इंडिया के साथ करना चाहिए, हमारे यहाँ जो बिजनेस है ना तिजारत करनी चाहिए भी। लोगों को क्या पता ये तो आप किस जमाने में रह रहे हैं, पता नहीं ये तो चूरन बेच रहे हैं, या हम भी बोलते हैं तो इंडिया के साथ जितनी सारी बिजनेस होगी ना भाई, हमारा मुल्क भी है ना ऊपर आएगा। आप अब वही पुराने जमाने में जी रहे भाई, वो उससे हम बायकॉट करेंगे भाई, वो खुद बायकॉट कर देगा। दुनिया के यहाँ रेस चल रही है गाड़ियों की, हमारे यहाँ गधों की रेस चल रही है भाई अभी तक। कमाल करते पाकिस्तानी, हमारी जो आवाम है ना वो बोली बेचारी है, वो चूरन बेचती रहती, जो हमारे जितने सारे पॉलिटिक्स है ना वो बिजनेस करें ना इंडिया के साथ, हमारा मुल्क भी है ना ऊपर आ जाएगा भाई, इंडिया की बड़ी तरक्की हो रही है। हाँ भाई, 100 बात की एक बात, इंडिया आगे ट्रेड करनी चाहिए। पब्लिक को समझाओ कि भाई हर चीज़ दीन पर नहीं होती, आप अपने खुद से कुछ होता नहीं और बीच में दीन ला दे दें भाई, इस्लाम ये नहीं करें काफरों के साथ, कुछ नहीं है, दुनिया तरक्की करिए, मिलकर करो, अपने इस्लाम पर ही चलो। ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम को भी छोड़ देना चाहिए, इस्लाम भी कहता है कि भाई आप करो, इस्लाम ने हमारे नबी ने भी किया था तिजारत, तो ऐसा नहीं है। बाकी ये जो आजकल रिपोर्टर है ना मीडिया वाले, जो लड़की जो बीच में आई थी शुरू में, बड़ी बड़के मार रही थी, बड़ा यार ये फनी वीडियो था, रोस्ट किया इन्होंने, हमें अपनी औकात दिखा दी। अमर भाई देखा ना कैसा था? हाँ भाई मज़ा आ गया, पाकिस्तान और इंडिया वो साथ होना चाहिए भाई। सही बात, हाँ ये बात। दोस्तों अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।